इस टाइम जो है वो बना रहे हैं क्या नाम है फिश फ्राई की चीज़ें बना रहे हैं और मैविश जो है ब्लॉगिंग कर रही है और मैं उसकी बहन हूँ और क्या नाम है आज हाँ जी विवर देती हूँ मैं जरा पीछे हो गई थी क्योंकि आज मेरी बहन के अंदर ना थोड़ा सा निकल के आ रहा है कि मैं बताऊँ तो वो एक्चुअली तो मैं आपको इसमें मेन्यू भी बता देती हूँ इसमें है जी इसमें मैंने चाट मसाला डाला है इसमें मैंने नमक डाला है इसमें मैंने गरम मसाला पिसा हुआ डाला है काली मिर्च डाली है और अजवाइन थोड़ी सी डाली है और नमक मैंने हसबे जायका डाला है और जब हम इसको फ्राई करेंगे उसके बाद की भी हम आपको शक्ल दिखा देंगे नाजरीन और हाजरीन और ये हमारे घर आई हुई है आज रहने के लिए शेफ मैविश हमारे घर आई हुई है रहने के लिए तो इनकी मेज़बानी तो करनी पड़ती है ऑब्वियसली ये हमारे घर आती है तो हमें मेज़बानी भी करनी पड़ती है तो मैं तो आप लोग मुझसे तो नहीं मेरे से तो नहीं आप लोगों की हेलो हाय नो हाउ लेकिन मैं मैविश की बहन हूँ और नहीं हेलो हाय है ना क्यों हमारे पहले में भी एक ब्लॉग में ये आ चुकी हैं मैं इसीलिए खामोश हो गई कि मैंने कहा बताऊँ मेरी बहन के अंदर भी ये है थोड़ा सा ये हमारे खानदान में है एक्चुअली हमारी फैमिली में है ब्लॉगिंग एक्टिंग करना और क्या नाम है अच्छा खाना बनाना और अच्छा खाना खाना एंड मैविश तो बहुत अच्छी कुक है माशाल्लाह ये तो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं हद से ज़्यादा अच्छा खाना बनाती हैं मुझे कभी कभी कुकिंग करने का टाइम मिलता है और जब कुकिंग करने का टाइम था मैं सारी कुकिंग इन्हीं से करवाती हूँ और अब मैं अम्मी के घर आई हुई तो आप लोग देखिएगा कि मैंने कितना तंग करने वाली सीरियसली मैं बहुत तंग करूंगी और मैंने आते ही कहा मैंने कहा आप ही नहीं मुझे बना कर दो तो अब वो उन्होंने मैरिनेशन कर ली थी अच्छा तो चलेंगे देखें ये अच्छे तरीके से इसके अंदर मसाला ये इन्होंने लगा दिया है मेरे से गलती हुई कि जिस वक्त ये कर रही थी उस वक्त इन्होंने कहा नहीं और मुझे मैंने कहा पता नहीं वीडियो में ये अपनी वॉइस देंगी या नहीं देंगी पर इन्होंने कहा कि खुद से कहा तो मैंने कहा चले क्यों नहीं ज़रूर नेकी और पूछ क्योंकि आजकल मेरा दिल नहीं कर रहा था कुछ अच्छा मैं मुझे बहुत मजा आता है जिस वक्त मैं आप लोगों के व्लॉग्स देखती हूँ स्पेशली बेबो आंटी यू आर सच अ ग्रेट पर्सन मैंने आपकी फिश फ्राई की रेसिपी देखी थी जब आप लोग गेट टुगेदर हुए थे मुझे बड़ा मजा आ रहा था जिस तरीके से आप फिश को फ्राई कर रही थी मतलब बारबेक्यू कर रही थी मेरा दिल कर रहा था कि मैं आप लोगों को ज्वाइन करूँ लेकिन अफसोस कि मैं आपको उस दिन ज्वाइन नहीं कर सकी सो बाकी मेरी बहन के जितनी भी YouTube फ्रेंड्स हैं उन सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और होपफुली आप लोगों को भी अच्छी लगेगी रेसिपी मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को और जब ये फ्राई करेंगी तो उसके बाद की भी रेसिपी मैं विश आपको बता देंगी ठीक है तो मैरिनेशन हम पहले कर रहे हैं अच्छा मैरिनेट हम पहले करके रख रहे हैं मैरिनेट तो आपको पता है पहले ही करके रखी जाती है लाइक आप एक घंटा पहले कर लें या दो लेकिन फ्राई हम इसको कल करेंगे ठीक है तो आप देखिएगा नेक्स्ट वाले मेरे ब्लॉग में तो चलें तब तक के लिए बने रहिएगा मेरी वीडियो के साथ और जो लोग नए हैं जी हाथ डालिए और मेरी बहन बहुत प्यारे हैं मुझे पता है मुझे फिश को कैप्चर करने में और मेरी बहन के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा जो है वो उसको लाइक करें शेयर करें ठीक है एंड थैंक यू वेरी मच अच्छा मैं तो आंटी बेबो के फैन हुई हूँ मैं अब आप लोगों को पता चल जाएगा कि मेरे घर में सारे ही आंटी बेबो के फैन हैं और एक्चुअली मुझे तो बहुत ज़्यादा वो होता है कि मैं जब वो कर ही होती हूँ ब्लॉगिंग वगैरह तो अभी आप लोग कहेंगे मैंने सिर्फ फिश को कैप्चर किया हुआ है क्यों क्योंकि अभी मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं सामने आऊँ तो चले और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा कमेंट कीजिएगा और नेक्स्ट आगे क्या करती हूँ तो तब तक जुड़े रहे मेरी वीडियो के साथ और एंड तक वीडियो को लाजमी देखिएगा हाँ जी व्यूवर्स तो अब आधा काम तो आपको बहन ने करके बता दिया जो उसने किया था तो अब आगे का काम मैं कर रही हूँ ये ऑयल इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्म हो गया और मैं इसकी आंच को स्लो कर दूँगी थोड़ा सा ताकि जो उनसा है हाँ जी व्यूवर्स तो चले मैं इनको फ्राई करने लगी हूँ और मसाला लगा हुआ है और तकरीबन हमने 24 घंटे लगा दिए मसाला इसको तो उसने कहा कि मैविश तुम खुद फ्राई कर लो ये देखें जी ये मैंने इसके बीच में डाल दिया है और ये थोड़ा सा ये एक्चुअली ये मसाला तो इसमें इतना ज़्यादा लगा हुआ है कि अब इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है कि भाई इसको बार बार वो किया जाए इतने दिन रखा जाए क्योंकि 12 घंटे तो मैक्सिमम होते ही हैं ना तो कल हम लोग नहीं बना पाए तो फिर अभी उसने कहा कि वो एक्चुअली टीचर है स्कूल से आई है तो उसने कहा
मैं भी, चलो तुम खुद कर लो यार, मुझे भूख लग रही है। वैसे भूख लग रही थी और बच्चों की वजह से मैंने थोड़ा बिजी हुई भी थी। अम्मी का तो आप लोगों को पता ही है कि तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं कोई इतना ज़्यादा यहाँ पे नहीं कर पा रही हूँ। ज़्यादातर टाइम अम्मी के साथ ही गुजर रहा है मेरा, तो इसमें जगह है कि दो स्लाइस ईजीली आ जाएंगे। तो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ दूसरा स्लाइस, ठीक है। ये देखें, बस हमें बस यही दो स्लाइस फ्राई करने हैं। तो चलें, जब मैं इसकी साइड पर साइड चेंज करूँगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी व्यूवर्स, तो ये देखें, ये तैयार हो गई और ये कितनी ही मज़े की बनी है। आप लोग ये जज मत कीजिएगा कि इतनी थोड़ी बनाई है, हम लोग हैं ही चार लोग घर में और बच्चे वैसे ही नहीं खाते। तो ये उस दिन का जो व्लॉग था जो हम लोगों ने बनाया था, तो मैं विश ने इसको फ्राई किया है और अब हम खाएंगे इसके सुबह को रायते के साथ और सलाद के साथ। रायता भी मैंने बनाया, ये मेरी खिदमत हो रही है, मैं खुद ही काम कर रही हूँ, देखें जरा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अब ये बना रही है तो फिर अब बना ले, खैर क्या हो सकता है, बना लिया इसने तो। बट इट्स लुक्स यम्मी, आई डोंट नो खाने के बाद कैसा टेस्ट आएगा। एनीवे, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइएगा। एक और वीडियो आपके साथ लेकर जरूर हाजिर होंगी जी। अल्लाह हाफिज़।